बालों को अगर नेचुरली काला करना चाहते हैं तो रात में इस रेमेडी को ज़रूर प्रिपेयर करके लगाइए। अब आप कहेंगे बिंदु रात में क्यों लगाना है इसे, क्योंकि दोस्तों हमारे जो हेयर पे जब हम इसका एप्लीकेशन करेंगे तो रातों रात ये हमारे बालों पे जड़ों पे जा करके डीपली पेनिट्रेट होगा और हमारे बालों को स्ट्रेंथन देंगे। हमारे जो सफ़ेद बाल जो अनाकारण असमय उम्र से कम अगर आप हैं आ जाते हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इसे रातों रात मीन्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छा ड्यूरेशन मिलेगा और आप अपने बालों को देखेंगे कि ये कुछ ही दिनों में काले होंगे। और प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर तो कमाल के आपके, देखिए जो सफ़ेद बाल आएंगे वो फिर से नीचे से काले बाल भी उगते हैं दोस्तों, अगर आप इस रेमेडी को यूज़ करेंगे तो आप खुद देखिएगा। ठीक है, रेमेडी बहुत ही सिंपल है, बहुत छोटी सी वीडियो बता रही हूँ दोस्तों, इसे आप इस्तेमाल ज़रूर करें। इसका यूज़ करके बहुत सारे लोगों ने बेनिफिट उठाया, इवन मैं भी इसका यूज़ करती हूँ रात के टाइम पे, अपने बालों पे इसका एप्लीकेशन लगा रही हूँ काफ़ी दिनों से, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। जो सफ़ेद बाल हैं वो रिवर्स करने का बहुत अच्छा काम करती है। तो चलिए सबसे पहला काम क्या करना है आपको दोस्तों, देखिए अपने बालों को अगर आप मोटा बनाना चाहते हो, घना बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करिए। किसी भी ब्रांड का ले सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कैस्टर ऑयल लेना है, टी मीन्स हाफ टी टेबल स्पून होता है ना, बिल्कुल उतना ही लेना है। क्योंकि देखिए आपको ये जो कैस्टर ऑयल होता है ना, ये बहुत ज़्यादा थिक होता है, बहुत ही गाढ़ी होती है ये कैस्टर ऑयल, और ये काम क्या करती है, ये आपके बालों को एकदम थिकर बनाती है, स्ट्रॉन्गर बनाती है, जड़ों से डीपली ये आपके यू नो रूट में डीपली पेनिट्रेट होने के बाद में ये आपके बालों को और भी अच्छी तरह से ये लॉन्ग करती है। बाल अगर आपके लंबे नहीं हो रहे हैं तो कैस्टर ऑयल का आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आईब्रोज के अगर बाल आपके यू नो घने नहीं हैं, कैस्टर ऑयल का यूज़ करिए दोस्तों, 100% ये इफेक्टिव रिजल्ट देते हैं आपको। उसी के साथ में दोस्तों मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जूस। जी हाँ, आप फ्रेश वाली ले सकते हो, गार्डन से ले सकते हो। इस तरह से यहाँ पे कैस्टर ऑयल के अंदर आपको एलोवेरा का जूस लेना है। ये तो मैंने कम से कम 4 से 5 बड़े चम्मच लिया है एलोवेरा जूस, मिस धृत कुमारी जिसे हम कहते हैं, ये आसानी से मिल जाती है, किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, मैं यहाँ पे पतंजलि का लिया है। ठीक है, और इसी के साथ में आपको कहना है, सबसे पहले आपको इसे मिक्स कर लेना है। ये देखिए एलोवेरा क्या काम करता है, हमारे स्किन हमारे हेयर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होना होता है। ये आपके स्किन पे झुर्रियाँ नहीं जल्दी से पड़ने देती है, साथ ही साथ बालों को ये लंबे समय तक काला बना करके बालों को जल्दी से सफेद नहीं होने देती है एलोवेरा। तो आप यहाँ पे एलोवेरा फ्रेश जो एलोवेरा आती है प्लांट्स से लेकर के, उसका भी आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। उसी के साथ में आपको यहाँ पर मिक्स करना है फ्रेंड्स आंवला का जूस। ये देखिए भर करके मैंने यहाँ पर आंवला जूस लिया है। ये इस तरह से ही इस रेमेडी को आप जरूर प्रिपेयर करिए, मीन्स आपको 1 कप आपको आंवला का रस लेना है। आंवला विटामिन सी से भरपूर होती है और हमारे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, वरदान है एक बोलते हैं हम जैसे कहें तो, एक वरदान है ये, हमारे बालों को नेचुरल तरीके से ब्लैक करती है। और इस तरह से ये रेमेडी जो है आपकी रेडी हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को इसमें कुछ और चीज़ें भी बताऊँगी, जैसे टिप्स दे देती हूँ, आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसे नाइट में लगा सकते हैं दोस्तों, जब भी अगर आप ऑफिस से आते हैं, अगर आपको समय ना मिले रात यू नो दिन भर में, तो आप इसे लगा लीजिए, 1 घंटे लगा करके रखिए, उसके बाद बालों को धो लीजिए। 100% ये आपके बालों को देखिए सिल्की सॉफ्ट और शाइनी बनाएगा और आपके बालों को ये काला करेगी। ये रेमेडी इतनी ज़्यादा पावरफुल है फ्रेंड्स, इसका कॉम्बिनेशन जैसे मैंने आपको बताया, कैस्टर ऑयल आपको लेना है, इसके अंदर एलोवेरा जूस लेना है, उसी तरह से आंवला का भी जूस लेना है। ठीक है, और ये अपने बालों पर जड़ों पर इसका मसाज करते हुए लगा करके आपको छोड़ दीजिए। जब आप इसे नाइट में करेंगे, मॉर्निंग में आप देखेंगे बाल अगर आपने धो लिया नाइट में, तो आप देखिए जब उसे आप अपने बालों को जैसे आप अपनी उंगलियों को डालेंगे ना, तो बहुत ही सॉफ्ट और सिल्की फील होगा आपको। ऐसी रेमेडी दोस्तों किसी ने अगर आपके साथ शेयर नहीं की है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मुंबई कर बिंदु पे ही ऐसे रेमेडीज देखने के लिए मिलेगी, जो कि 100% नेचुरल होती है, 100% इफेक्टिव होती है, जो कि आप अपने बालों को रिवर्स कर सकते हैं। प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अब देखिए यहाँ पर आप कलौंजी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, कलौंजी तेल आप ज़रूर लीजिए दोस्तों। इससे क्या होता है ना, मेलानिन पिगमेंट काफ़ी अच्छी हो जाती है बालों की, तो 1 चम्मच यहाँ पर हम इसमें इस तरह से कलौंजी ऑयल भी ऐड कर देंगे। ये देखिए सुपर एंड पावरफुल रेमेडी। आप सभी जानते हैं ब्लैक ऑनियन सीड काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है हमारे हेयर के लिए, हमारे बालों को काला बना के रखने के लिए लंबे समय तक। इसे देखिए अप्लाई कर लीजिए,
बहुत, मैं जितनी इसकी इस रेमेडी की तारीफ करूँ ना उतना कम है दोस्तों। बस आपको इसे इम्प्लीमेंट करना है, अपने बालों के लिए यूज़ करना है, और ये रिजल्ट ओरिएंटेड है फ्रेंड्स। ये रेमेडी है पावरफुल, जो कि हम घर पे ही बना सकते हैं पार्लर में जाकर के। आपको कोई भी इस तरह से एक्स्ट्रा, जैसे कि बहुत सारे केमिकल युक्त आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, अपने बालों पर लगाते हो, स्कैल्प खराब हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, ईचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, उन सारी प्रॉब्लम से बचना चाहते हो तो नेचुरल चीज़ों पर आपको टर्न होना ही पड़ेगा। और इस तरह से अगर आपने टर्न कर लिया अपने चीजों को नेचुरली, तो आपके बाल भी काफी अच्छे खूबसूरत लहराते, लंबे भी हो जाएंगे और सदा के लिए काले भी रहेंगे। अगर इस लिक्विड को आपने इस तरह से लगा लिया ना दोस्तों, तो आपके बालों की तो चांदी कभी होने ही वाली नहीं है, बाल आपके काले ही रहेंगे। आई होप दोस्तों छोटी सी वीडियो आपको पसंद आए, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं। मिलती हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे।